जय सियाराम। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 6:30 बज रहे इस टाइम और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग टी। बताती हूँ यहाँ बनती है मेरी मॉर्निंग टी और मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। यहाँ पे भिंडी बना दी है और यहाँ पे मैंने पराठे बना के रख दिए उनके लिए। और आज मैंने बहुत जल्दी बना दिया सब कुछ क्योंकि आज का कोई रीज़न है, बच्चे अभी सो रहे हैं, बल्कि गौरव जग चुकी है क्योंकि मैंने उसको लेटाया, अभी सोचा कि टाइम नहीं है। ये तो गौरव तो अभी भी, ये देखो गौरव अभी भी अभी से क्यों उठ गया, लेट जाओ तो। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलो पापा के पास बैठ जाओ, ठीक है? सो गौरव उठ गई है। गौरव का भी उठने का एक रीज़न है, शी इज सो हैप्पी। हैप्पीस्ट रीजन से है क्योंकि कल हम लोग जब मार्केट गए थे तो वहाँ पे इसकी मैम का फ़ोन आया, इसकी जो एलकेजी वाली क्लास टीचर मैम है गंगा मैम का फ़ोन आया कि कल, एक्चुअली आज है स्कूल में फाउंडर्स डे। फाउंडर्स डे मतलब हैप्पी बर्थडे ऑफ बिरला स्कूल। सो कुछ फंक्शंस होने हैं तो ऐसा था कि फंक्शन होने के लिए जो कुछ आइटम जो प्रोग्राम बच्चे प्रस्तुत करेंगे उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा हो नहीं पाई थी बिकॉज स्कूल ही लेट खुला था। तो इसलिए जो ग्रैंड पेरेंट्स डे पे डांस हुए थे उन्हीं में से कुछ डांस सेलेक्ट करके फाउंडर्स डे में डाले गए हैं, जिनमें गौरा का जो डांस था वो भी सेलेक्ट हुआ है। बट गौरा उस गाने पे डांस ना करेगी, किसी और गाने पे डांस करेगी, लेकिन कॉस्ट्यूम वही रहेगा। तो मैम का फ़ोन आया था कि गौरा को आप तैयार करके भेज देना, जो सेम कॉस्ट्यूम में वही डांस करके भेज देना। और थोड़ा सा उन्होंने वीडियो भेजा था, प्रिपेयर करा के भेजना था हमें जो गाना था, वो भी एक्चुअली पहाड़ी ही गाना है लेकिन है दूसरा। सो मेरी चाय उबल चुकी है मम्मी ने खाने, सो इसलिए आज गौरा भी डांस के चक्कर में बहुत ही जल्दी उठ गई है। गोली फिलहाल अभी सो ही रहा है। सो मैं दूध डाल देती हूँ चाय में और गौरा को भी दूध देना है, गोली को भी दूध देना है। सो इसलिए मैंने आज जल्दी अभी ब्रेकफास्ट बना लिया क्योंकि उसको मेकअप करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर नाश्ते में हड़बड़ी हो जाती है, लेट हो जाती है। इसलिए आज मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया है, बस पैक करना रह जाएगा। फिर अभी गौरा के कपड़ों को थोड़ा सा प्रेस भी करनी है, प्रेस वगैरह करके उनको पैक करना है। और जो उसकी यूनिफॉर्म है उसको भी रखना है क्योंकि स्कूल में वो चेंज हो जाएगी, कॉस्ट्यूम चेंज कर देंगे लोग, लेकिन तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आज मुझे जल्दी इनका ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। और अभी 6:30 में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी बहुत सारे काम हैं और 7:00 मैं गौरव को तैयार करना शुरू करूँगी, तो 8:00 हो जाएगा। हाँ बाबू, हम लोग कितने बजे स्कूल जाना है? 8:00, ठीक है? चलिए मिलते हैं जब गौरव तैयार होती है। बाय। सो मैंने गौरा को तैयार करना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो गया है, कपड़े मैंने उसको पहना दिए। आज मैंने उसका जूड़ा ही बनाया है, चोटी नहीं की है। और यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, आई शेडो वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। और फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा काजल तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइनर से ही इसके चिन पे थोड़े से डॉट्स बना देती हूँ। और आज मैंने इसके लाइनर भी लगाने की कोशिश की क्योंकि आज ये बड़े साइलेंट मोड पर बैठी थी, तो मैंने इसके लाइनर भी लगाया आज। और अभी ये लिप लाइनर से थोड़ा सा लिप सेट कर रही हूँ इसके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं लिप्स थोड़े से फैल जाते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद। तो ये मैंने चिन पे थोड़ा सा लाइनर से डॉट्स बनाई हैं, छोटे बच्चों के अच्छे लगती है लगा दो तो। और मैंने लाइनर भी पूरा नहीं लगाया है, साइड आइज़ पर ही लगाया है क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं लगाएगी फैला देगी, इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का लगाया है जो कि एक काजल का लुक दे रहा है इसके चेहरे पर। और मैंने बिंदी भी लगा चुकी है इसके और फाइनली अब तैयार हो गई है। तो मैंने इसके सर पे पल्लू लगाया है, जूड़े में एडजस्ट कर दूंगी इसको, और ये पिनअप कर दिए थे मैंने साइड में से। सो गौरा का फाइनल टच यही है, ऐसे ही लग रही थी और पिछली बार भी ऐसी तैयारी थी, सिर्फ अंतर ये था कि आज मैं इसकी ज्वेलरी भी चेंज करती है, बल्कि पिछली बार थोड़ा सा हैवी थी, इस बार मैंने बहुत ही हल्की ज्वेलरी डाली है इसके गले में। और ये फाइनल टच हो गया और ये गौरा बिल्कुल तैयार हो गई है और अभी स्कूल जाने के लिए तैयार है और ऐसी लग रही है गौरा। और गौरा के साथ देवयानी भी डांस में पार्टिसिपेट कर रही है जो हमारे फ्लोर पर रहती है। तो सो ये गौरा के स्कूल का वीडियो है जहाँ पर गौरा डांस कर रही है, ये इसकी मैम ने भेजा था हमें वीडियो।
और मैंने इसकी आवाज़ इसलिए बंद की हुई है क्योंकि फिर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसलिए मुझे सॉन्ग को म्यूट करना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो डाल देती हूँ, वैसे तो लगेगा ये गाना। बेड़ पाको बाड़ मासा, अगर कोई कुमाऊनी व्यूअर होगा मेरा उत्तराखंड का, तो वो ज़रूर समझेगा इस गाने को कि वो गाना है, पहाड़ी गाना है। और ये स्कूल का ही पूरा वीडियो है, पीछे बॉयज़ हैं आगे गर्ल्स हैं, और बस सब बच्चे डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं फाउंडर्स डे पे। ये कल इनका फाउंडर्स डे था बच्चों का स्कूल में। बड़ा अच्छा लगा देख के वीडियो मुझे भी, और मैंने सबको दिखाने के लिए वीडियो डाल दिया इसमें। डांस के बाद बच्चों को पार्क में ले जाया गया झूले के लिए, थोड़ा झूला वगैरह, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं झूले वगैरह झूल के। तो गौरा भी एंजॉय कर रही थी, ड्रेस अप उसका चेंज कर दिया था क्योंकि फिर बच्चे अनकंफर्टेबल रहते हैं ना, तो इसलिए। बज गए हैं शाम के 6 और मेरी तैयारी चल रही है हनुमान जयंती की, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्म हुआ था और हम लोग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो सुबह मैंने कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया था क्योंकि मैं शाम का भोग बनाती हूँ हनुमान जयंती के दिन। तो मैं प्रॉपर भोग बना रही हूँ हनुमान जी के लिए, जैसा कि बच्चों के बर्थडे में होता है। यहाँ मैंने मंदिर बैलून से सजा दिया गौरा के कहने पे, और दिया बाती भी कर दी है क्योंकि दिन छिप चुका था, और दिन छिपने के बाद तुरंत दिया बाती कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। मैंने दिया बाती कर दी और भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। आपने देखा कि गौरा के कहने पे मुझे बैलून लगाने पड़े, आप देख रहे हैं ये गौरा के कहने पे लगाए हैं मैंने, क्योंकि हम लोग तो बैलून लगाते नहीं हैं, लेकिन बच्चे हमें सिखाते हैं। बच्चे क्या सिखाते हैं हमें, कि हम जो अपने लिए करते हैं वही भगवान के लिए करना चाहिए ना, है ना गौरा? भगवान तो हमसे बड़े हैं, हम जो अपने लिए करते हैं, जो हम अपने जन्मदिन पे बनाते हैं, जो हम अपने जन्मदिन पे करते हैं, हमें वही चीज करनी चाहिए, है ना? तो मेरा भोग बन चुका है हनुमान जयंती का। हनुमान जी के जन्मदिन के लिए मैंने भोग बनाया है अच्छा, और वो मेरा तरीका है बनाने का। कुछ लोग अलग तरीके से मनाते होंगे, लेकिन मैं अपने अलग तरीके से बनाती हूँ। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, एक तरीका है हनुमान जी को याद करने का, सच्चे मन से उनके लिए कुछ करने का। वैसे मैं हर मंगल शनिवार में उनका प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन आज खास दिन है। जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन पे आजकल केक कटता है, और बच्चे कभी होटल में जाने को पसंद करते हैं, कभी घर में अपने फ्रेंड्स को बुलाना पसंद करते हैं, तो ईश्वर के लिए भी एक एक दिन होना चाहिए जिस दिन हम उनके लिए बनाएं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है और मैं करती हूँ, जब भी कोई हनुमान जी का, कृष्ण जन्माष्टमी, जो भी कोई फेस्टिवल आता है, वो एक खास दिन भगवान जी के नाम का कुछ बनाती हूँ। जैसे हम अपने बच्चों का नाम का बनाते हैं, अपने नाम का बनाते हैं, ऐसे भगवान जी के नाम का भी मैंने प्रसाद बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो शुरुआत है हमारे हनुमान जी के केक से। हम केक तो नहीं खिला सकते हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी का भोग हनुमान जी के प्रसाद हलवे से कर सकते हैं। ये मैंने एक मीठा बनाया है हनुमान जी के केक के रूप में। फिर मेरा बना है मीठा कद्दू, जो मैंने आपको बताया था अचारी कद्दू। ये मीठे में खीर है, एक और मीठा है, फिर छोले हैं और भटूरे हैं। बीच में मैंने पानी भी रखा है हनुमान जी के लिए, और साथ में पापड़। तो ये पूरा मेरा हनुमान जी का भोग है। अब मैं जस्ट मेरा हनुमान जी का भोग, मैंने पूजा पहले कर ली थी क्योंकि दिन छुप गया था, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं हनुमान जी का भोग लगाने। और गौरा को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि अरे हनुमान जी का केक बना है तो मैं काटूंगी। तो छोटे बच्चे से ही, जिसका मन साफ हो उसी से हम केक कटवाएंगे। कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वही भगवान जी के बहुत खास होते हैं, तो मैं इसलिए गौरा से केक कटवाती हूँ हनुमान जी का, जो कि मैंने सूजी के हलवे से बनवाया है। और गौरा भी खुश हो जाएगी, अभी गौरा की इच्छा है कि अच्छा भगवान जी का बर्थडे बन रहा है, अच्छा केक कहाँ है। तो अब मैं गौरा को बुलाती हूँ और गौरा से ही कटवाती हूँ केक। आइए देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है भोग लगाने की, और थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो सब फैला पड़ा था। भगवान जी के आगे थोड़े से सामान रखा था, लेकिन कैसे भी करके हम लोगों ने एडजस्ट किया। और यहाँ पर ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने जो ये पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो इन्होंने शुरू किया। भोग हमने रख दिया भगवान जी के सामने। ओम अखंड
अतुलित बंधावं धेन पेलाब देहं धनुजन कर्तनाम जानी नामा जगन्यो सकल गुण श्री राम जय बोलो गौरा जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज साधु हाँ भगवान जी को खिला दो वेरी गुड पूरा खिला दिया एक चम्मच पानी बचा चम्मच से खिला अब पापा खिला देंगे फिर मम्मी जय श्री राम पापा इनको भी खिला दो। सो फाइनली भगवान जी को भोग लगाने के बाद सबको मैंने खाना दिया और सबको पसंद भी आया और ऑब्वियसली पसंद आना था। हनुमान जी के प्रसाद का भोग लगा रहे थे सब लोग, चाहे हम लोग कैसे भी बनाएं लेकिन अगर प्रसाद होता तो उसमें स्वाद आता ही है। तो हम मिलते हैं आपसे कल, बाय एंड गुड नाइट।